अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो शूट कर रहा हूं गाइस, अपने व्लॉग चैनल के लिए, रजब जहज ऑफिशियल के लिए। आप लोगों का मेरा इस चैनल पे स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। बहुत सारे वीडियोज़ पहले मैं डाल चुका हूँ और बहुत समय के बाद मैं वीडियो आज ये डाल रहा हूँ। बीच में वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे पास शूट करने के लिए मोबाइल नहीं था। मोबाइल जो मेरे पास पहले था जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा था अपने गांव में, वो चोरी हो गया था गाइस। वैसे तो मैं हमेशा ऐसे ही फ़ोन रखता था ऊपर के जेब में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और मुझे ध्यान भी रहता था पूरा का पूरा। अब शायद मेरी ये गलती है, समझता हूँ। बोल नहीं सकते कब किसी के साथ क्या हो जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कभी होगा कि मेरा मोबाइल चोरी हो जाएगा। और इतना महंगा मोबाइल मैं फ़र्स्ट टाइम में लिया था, और वीडियो बनाने का मुझे शौक़ है, एडिटिंग करने का शौक़ है, इसी के लिए ही लिया था गाइस। उस शौक में मेरे पानी फिर गया, तो इसकी वजह से मैं तो टेंशन में था अभी तक, जो अब कहाँ से इतना मोबाइल लेना। बल्कि पहले अभी उतनी इनकम नहीं रहती अपनी, आपको मालूम होगा कि गांव में रहने वाला इंसान एक बाहर रह के कमा रहा, तो बोले तो क्या हालत रहती है। चोरी होने के बाद मैं पुलिस कंप्लेंट दिया था। पुलिस कंप्लेंट देने के बाद वहाँ पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद भी मैं फिर भी लेटर लिख के डाल दिया था तो शायद अगर मेरा मोबाइल मिल जाए तो पुलिस वाले पहुँचा दें। मगर ऐसा कहाँ होता है गाइस कि मोबाइल चोरी हुआ बाद फिर मिल जाए। लेकिन आपने लेटर डाल दिया कि कहीं मेरा मोबाइल का मिसयूज़ ना हो गाइस। जब फिर अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ और यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, और इंशाल्लाह आपसे मैं नया व्लॉग आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, अच्छे अच्छे व्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट और प्यार दीजिए, आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए इंशाल्लाह पूरी जी जान लगा देंगे गाइस। अब जा रहे हैं उनको स्टेशन तक छोड़ने के वास्ते। स्टेशन पे छोड़ के आएंगे अभी तो ठीक। ये है हमारे गली का एरिया जहाँ हम रहते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा चैनल मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये मेरा दोस्त अब्दुल रहीम भाई, रहीम भाई है। हेलो भाई। और आज हमारे ये रहीम भाई गाँव को जा रहे हैं। इनको बता दे रहा हूँ, अपना मोबाइल अच्छे से संभाल के रखना तुम्हें। मालूम रास्ते में भी चोरी कर सकते हैं, पहुँचने के बाद भी चोरी कर सकते। कई बार चोरी हो चुका है मेरा मोबाइल। और मेरी लाइफ का ये पहला मोबाइल था जो इतना महंगा मोबाइल लिया था मैं। मेरा कभी कुछ नहीं हुआ, मेरा कभी कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बोलता था, अरे कैसे रहते हैं यहाँ, कैसा करते, चोरी हो जाता। और मेरे को एक बार झटका लग गया, मेरा एक बार में पूरा इनका एक बार बार का मेरा एक बार में निकाल दिया मालिक। इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ, सतर्क रहिएगा जब सफ़र में निकलते हैं। तो देखो अब जा रहे हैं, मेरे को पैसे देने वाले थे क्या? कुछ सेकंड में रेलवे स्टेशन। ये छोटा गेट है, सामने से मेन गेट भी है। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है रहेगा कि अगर हमारा ब्लॉग बिल्कुल अगर ज़रा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कहाँ जाएंगे, दो दिन लगेगा जाने में, तीन दिन लगेगा जाने में। दुआ करो भाई, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा भाई इलेक्शन में खड़ा है। इनका भाई इलेक्शन में खड़ा है, दुआ करो कि जीत जाए। इंसिडेंट हो गया है यहाँ पे, बता रहे हैं कि गाड़ी का टाइमिंग चेंज हो गया है और 8 बजे ही गाड़ी निकल चुकी है। अब क्या करेंगे देखते हैं, दूसरी जगह से ट्रेन है कि नहीं है, फिर आप लोगों को बताते हैं। क्या देख सकते हैं, हालत ख़राब हो रही है। टिकट बना रहे तो टिकट नहीं बन रहा। अब टिकट बनाने के लिए काउंटर पे गए तो वहाँ पे बोल रहा है 11 बजे बनेगा तत्काल टिकट। क्या क्या हो रहे हैं बेबुरु, क्या हुआ बताओ, इसके बारे में बताओ भाई। हो गया हमारा भाई, हमारा पोपट हो गया। देखो क्या पोपट हुआ बताओ भाई, जब से हुआ भाई हम सोचे थे 10 बजे होंगे। हम गूगल में देखे थे, बता रहा था कि 10 बजे जाती है यहाँ से ट्रेन। अब यहाँ पे आके मालूम चल रहा कि 8 बजे निकल गई ट्रेन।
हमारा तो पोपट हो गया ना भाई, वो पहले का चार्ट लगा हुआ था, पहले का चार्ट लगा हुआ था, हम गूगल में शायद वो देख लिया गलती से। अभी टाइम क्या है, चेंज हो गया है यहाँ पे, पहले 10 बजे निकलती थी गाड़ी, अब 8 बजे निकल रही है, ये इंसिडेंट हो गया। कल के लिए तत्काल टिकट बनाने जा रहे गाइस, अब देखो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आज कैसा भी निकल जाते बोल रहे, लटकते हुए निकल जाएंगे बोल रहे बस में जैसा जाते। देख सकते गाइस पूरे लोग एग्जाम में ठहरे हुए, अपने अपने एग्जाम में लगे हुए पेपर फिल करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे सारे एग्जाम में लगे, मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये तत्काल फॉर्म भरते, तत्काल फॉर्म ले लिया, अभी इसको फुल करेंगे उसके बाद जमा करेंगे, देखते हैं तत्काल टिकट मिलता है। देख सकते हैं गाइस भाई का टिकट सर हम ये गया कि नहीं से मतलब मैं इसलिए मैं टिकट नहीं कटा रहा था, मैं टिकट बन गया लेकिन वेटिंग आया बोल के इसलिए गुस्से में है भाई। कैसा लगा रहे भाई 3 घंटे के बाद जब टिकट मिला तो? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा, घर जाना आजाद बन गया। नहीं भाई मतलब टिकट कटा के नहीं टिकट बन, देख सकते हैं गाइस ये मासूम चेहरा निगाहें फिर भी बैगन बैगन में मिल गए।